Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture remedies for breach of contract of sale. यानी माल बिक्रय की संविदायत ब्रीच हुई है तो सेलर या बायर को क्या राइट है, क्या रिमेडीज हैं, ये इस लेक्चर में बताना है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी डिफाइंड एज द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन ऑफ आइदर पार्टी, बायर और सेलर. इन अदर वर्ड्स, व्हेन द बायर फेल्स टू पे द प्राइस or accept the goods, the seller fails to deliver the goods, the breach is said to have been occurred. कहने का मतलब ये हुआ है कि जब बायर पेमेंट नहीं करता है, प्राइस नहीं देता है, पैसा नहीं चुकाता है, या भेजे गए माल को एक्सेप्ट नहीं करता है, तब ब्रीच होता है. या सेलर जो है माल जब डिलीवर नहीं करता है तब कहा जाता है ब्रीच हुआ है. तो सेलर्स को बायर के अगेंस्ट क्या रिमेडी है ये बताना है. पहली रिमेडी है सूट फॉर प्राइस, दूसरी है सूट फॉर डैमेजेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, तीसरी है सूट फॉर डैमेजेज फॉर रिपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी. यानी डिलीवरी की डेट के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है तो सेलर को बायर के अगेंस्ट क्या राइट में देता है. पहला है सूट फॉर प्राइस, सेक्शन 55 की सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है कि जब जो है ओनरशिप बायर में ट्रांसफर हो जाती है तो वो जो खरीदा है चीज उसका पेमेंट करने के लिए बाउंड हो जाता है. और यदि वो टाइमली पे नहीं करता है तो सेलर बायर पर सूट फाइल कर सकता है. सेक्शन 55 की सब सेक्शन 1 थी. सब सेक्शन 2 में है 55 में कि जनरली जो है सेलर तभी सूट फाइल करता है जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है बायर में और टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है. लेकिन कभी कभी जो है कॉन्ट्रैक्ट या आप सेल में ये प्रोविजन होता है कि वो फला डेट को या फिक्स डेट को या इस समय जो है पेमेंट करेगा, तो ये निर्धारित समय पर वो पेमेंट नहीं करता है तब भी सूट फाइल किया जा सकता है. सपोज कीजिए, एक तो ये इलस्ट्रेशन हो सकता है कि आपने मुझसे कोई सामान खरीदा और कहा कि एक हफ्ते में पेमेंट भेज देंगे और अभी तक नहीं भेजा है, 15 दिन हो चुके हैं. तो ये क्या है, जब आप नहीं टाइमली पे करते हैं तो ओनरशिप आप में ट्रांसफ़र हो चुकी है तो हम आप पर मुकदमा कर सकते हैं डैमेज के लिए, प्राइस के लिए. सेकंड दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अभी माल डिलीवर नहीं हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफ़र आप में नहीं हुई है और आपने कहा था कि हम 15 अक्टूबर तक पेमेंट भेज देंगे आपका और 15 अक्टूबर को नहीं भेजते हैं, तब भी जो है प्राइस के लिए सूट फाइल किया जा सकता है सेलर्स में, चाहे वो ओनरशिप बायर में ट्रांसफ़र हुई हो या ना हुई हो. दूसरा है कि सेलर जो है माल डिलीवर करने के लिए रेडी है, विलिंग है, लेकिन बायर नानुकूल करता है, रिफ्यूज करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तब भी जो है सेक्शन 56 के अनुसार जो है सेलर बायर पर जो है सूट फाइल कर सकता है डैमेजेज के लिए. इसमें जो है दिलाया क्या जाएगा, वेयर देयर इज अ रेडी मार्केट फॉर द गुड्स, तो ऐसी स्थिति में मेजर क्या होगा, मार्केट राइट रेट और कॉन्ट्रैक्ट रेट का डिफरेंस दिलाया जाएगा. वेयर देयर इज द गुड्स डू नॉट हैव एनी रेडी मार्केट, तो यहां पर जो है द मेजर ऑफ डैमेज विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस, है ना. जनरली डायरेक्टली और नेचुरली जो जनरल डैमेजेज हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेज, वो दिलाई जाती हैं. तीसरे जो राइट है, रिमेडी, तीसरी रिमेडीज है
कि डिलीवरी डे के ड्यू डेट के पहले या डेट ऑफ डिलीवरी के पहले ही बायर ने ब्रीच कर दिया है, सेक्शन 60 में है, तो सेलर को क्या राइट है? ठीक है, सपोज कीजिए कि आप बॉम्बे के एक बायर ने, मोहन ने, आपसे 100 टन चावल जो है लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया था खरीदने का, डिलीवरी जो है 15 जनवरी 2021 को होनी थी, वो 15 दिसंबर को बता देता है कि अब हमको चावल नहीं चाहिए, तो ड्यू डेट के पहले जो है बायर ने ब्रीच कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास दो राइट्स हैं, चाहें तो 15 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दें और लीगल एक्शन ले लें, और चाहें तो 15 जनवरी तक जो है 2021 तक वेट करें और तब लीगल एक्शन लें। इसके अलावा जो है ये टाइमली बायर पेमेंट नहीं करता है सेलर का, तो ड्यू डेट के बाद वो मांग कर सकता है उसको इंटरेस्ट भी दिलाया जाए, ब्याज भी दिलाया जाए, लेकिन इसके लिए वो सूट नहीं फाइल कर सकता है। अब कुछ बायर्स को भी सेलर के अगेंस्ट रिमेडीज मिली है, ऐसा नहीं खाली सेलर को ही है, बायर को भी रिमेडीज मिली है। पहली रिमेडी यही रही है 57 दी हुई है कि यदि जो है सेलर टाइमली माल को डिलीवर नहीं करता है तो बायर जो है ड्यू डेट के बाद सूट रिकवरी के लिए ला सकता है, डैमेज के लिए ला सकता है, ड्यू डेट पर वो माल जो है डिलीवर नहीं करता है। दूसरी है यदि सेलर जो है डेट ऑफ डिलीवरी के पहले ही एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं बता देता है, रिफ्यूज कर देता है कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में बायर जो है सेलर के अगेंस्ट तुरंत भी मुकदमा कर सकता है जिस तारीख को उसने ब्रीच किया है, या वेट कर सकता है जो डिलीवरी की डेट थी। इसके अलावा जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो है भी बायर सेलर पर सूट फाइल कर सकता है। कब कर सकता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट है अलग। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स द डैमेजेज वुड नॉट बी एन एडिक्वेट रिमेडी। डैमेजेज जो है एडिक्वेट रिमेडी नहीं होंगी, और माल ऐसा है कि जो मार्केट में नहीं मिलता है, जैसे आपने अपने परदादा की पेंटिंग बनाने का या बेच खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है सेलर से, उसके पास है, तो अब वो बेचने से मना करता है बाद में कि हम नहीं बेचेंगे आपको, तो आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा कर सकते हैं, और वो जितने अमाउंट पर तय हुई थी वो दादाजी की जो आपकी मूर्ति है परदादा की वो मार्केट में नहीं मिलती है, इसलिए जो है वो उसका डैमेज देने के लिए लायबल है सेलर। इसके अलावा जो है वारंटी यदि ब्रीच की गई है, सेक्शन 59 में है, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी द बायर हैज टू रिमेडीज। नंबर वन, इफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड बाय द बायर, बायर ने पेमेंट जो खरीदा था माल उस माल में वारंटी ब्रीच हो रही है, तो जितना उसने रिपेयरिंग वगैरह में खर्च किया है वो अपना डिडक्ट करके रिमेनिंग जो है पे करेगा, और यदि उसका नुकसान ज्यादा है जितने का प्राइस है तो बायर में फाइल सूट फॉर डैमेज, तो फिर वो डैमेज के बिल क्लेम कर सकता है। जैसे मेसन वर्सेस बर्निंगहम के केस में 1949 का इंग्लिश केस है, एक आदमी ने एक सेकेंड हैंड टाइपराइटर मोहन को बेचा था, मोहन ने उस पर रिपेयरिंग ओपन किया, कुछ खर्चा भी किया, ठीक कराया, बाद में वो टाइपराइटर पुलिस ने चोरी के उसमें पकड़ लिया, जब्त हो गया, एट बीज पजेशन वाज डिस्टर्ब ही फाइल्ड सूट अगेंस्ट ए फॉर रिकवरी ऑफ द डैमेज ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी।
तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए जो है उसने मुकदमा किया। तो यहाँ पर बायर को क्या मिलेगा, वो जितने में खरीदा था टाइपराइटर, जो रिपेयरिंग चार्ज है वो सब जो है उसके लिए वसूल करने के लिए इंटाइटल होगा। इसके अलावा बायर जो है इंटरेस्ट भी प्राप्त कर सकता है, हालांकि सूट नहीं फाइल कर सकता। थैंक यू वेरी मच। बस रहने दो भैया, तुम भी तक